dear students and all my dear viewers you all are welcome to this class in which i am going to describe about the troposphere for icse students and this is my third video on the troposphere first video what i had given you that was regarding the scale direction 4 degree and 6 degree apart from that distances was also there और सेकेंड वीडियो जो मेरा था दैट वॉज उसमें तुमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द एरिया अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न अबाउट द कलर्स सो अबाउट द अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्स इज सेटलमेंट्स ये सारा अच्छे हमने उसमें देखा था लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स को देखेंगे क्योंकि ये टोकोसीट के ऊपर आखिरी वीडियो है इसलिए इस वीडियो को खूब अच्छी तरह ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि तो इस वीडियो में ऑकुपेशन और ट्रांसपोर्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तो है ही इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है जो हम तौर तो पर स्टूडेंट्स को परेशान करता रहता है तो उन सारे टर्म्स को भी मैंने यहाँ पर देखने की कोशिश की है और सबको समझाने की कोशिश की है सो बिफोर एनी मोर इंट्रोडक्शन आई एम जस्ट स्टार्टिंग द पॉइंट एंड माई फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे इज़ ऑकुपेशन ऑकुपेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर रीजन का ऑकुपेशन क्या होगा या पूछता है कि इस मैप मैप में जो मैप स्टेट तुम्हारे सामने दिया जाएगा यहाँ के लोगों का ऑकुपेशन क्या होगा तो दो तरह से या तो पूरा मैप को लेकर या किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर ऑकुपेशन पूछा जाता है तो इस ऑकुपेशन को लिखने के लिए पहले हमें देखना होता है कि उस जगह का कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस तो हम देखेंगे कि अगर वो प्लेस पर येलो पैच है मतलब येलो कलर है तो इसका मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है तो अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों का ऑकुपेशन क्या होगा एग्रीकल्चर यानि फार्मिंग इसके अलावा अगर वहाँ पर फॉरेस्ट है या ग्रीन पैचेज है तो वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए जो ऑकुपेशन होगा वो होगा फॉरेस्ट्री या लुम्बरिंग इसके अलावा अगर कोई सेटलमेंट है जो सेटलमेंट्स यानी घर मेन रोड पर है वहाँ पोर्ट है वहाँ रिवर है वहाँ पुलिस स्टेशन है रेलवे स्टेशन है तो ये सारा चीज़ यदि हम देख रहे हैं जिसका मतलब वो कोई शहर को डिस्क्राइब कर रहा है तो शहर में क्या होता है शहर का जो लोग शहर के जो लोग होते हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है आमतौर पर ट्रेड या बिजनेस होता है या फिर सर्विस हो सकता है इसके अलावा अगर उस जगह पर माइंस है तो माइनिंग हो सकती है अगर उस जगह पर अगर वो जगह पर लेक्स है रिवर्स है तो हो सकता है फिशरी हो सकती है तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेश प्रोबेबल हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ट्रेड माइनिंग फिशरी ये सब वहाँ के उस प्लेस के चीज़ों को देख ही पता चलता है तो अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तो ट्रांसपोर्ट कैसे पता करते हैं वैसे तो कई टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं बट स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर रोड ट्रांसपोर्ट को समझ लेने से उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर यानी उसको दिखाऊँगा फिगर के द्वारा और किस तरह का जो लाइन होता है वो कौन सा ट्रा, रोड ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट कई तरह के होते हैं जैसे मेटल रोड अन मेटल रोड कार ट्रैक पैक ट्रैक बहुत सारे चीज़ होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लें पहचानने में हमें आसानी होगी तो मैं इसे एक फिगर के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ तो अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जैसा मैंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कई तरह का तुम्हें टोपोसिट में दिखाई देगा पहला ट्रांसपोर्ट है मेटल रोड द साइन ऑफ द मेटल रोड इन द टोपोसिट इज दिस वन रेड कलर एंड थोड़ा सा थीक लाइन है मोटा लाइन है तो मोटा लाल कलर मेटल रोड को दिखाता है दूसरा जो होता है टोपोसिट में वो है अनमेटल रोड जो तुम्हें इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा तीसरा है कार्ट ट्रैक कार्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है जिस पर गाड़ी चलती है गाड़ी का मतलब जैसे विलेज में खासतौर पर जो ब्लॉक कार्ड्स वगैरह चलता है तो उसको भी यहाँ पर एक लाइन से दिखाया जाता है बट ये लाइन थोड़ा सा पतला होता है दोनों में यही डिफरेंस है कि दिस इज़ अ थिक लाइन दिस इज अ थीन लाइन ये पतला है और ये मोटा लाइन है और इसके अलावा होता है पैक ट्रैक जो खासतौर पर हिली ही एरियाज़ में होता है हिल्स वगैरह के साइड से जो रास्ता बनाया जाता है जिसमें भेड़ बकरियाँ और जो चरवाहे लोग होते हैं उतरते हैं उसको पैक ट्रैक बोलते हैं तो इसका साइन ये होता है और इसके बाद होता है एक फुटपाथ और फुटपाथ का ये साइन है तो इस तरह से ये पांचों ही साइन हमें टोपो सीट में, में दिखाई दे सकते हैं जिसको देखकर हम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं यूजुअली जो क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से आता है बोर्ड में वो ऐसे आता है कि राइट एनी टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाट इज़ गिवेन इन द मैप तो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेटल रोड रहेगा या अनमेटल रोड रहेगा या कार ट्रैक इसमें से तो कोई भी हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद आता है कॉन्टूर्स एंड कॉन्टूर इंटरवल तो सबसे पहले कॉन्टूर इंटरवल को समझने से पहले कॉन्टूर्स समझना पड़ेगा कॉन्टोर्स क्या है कॉन्टूर लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेज और पॉइंट्स हैविंग द सेम हाइट अब मीन सी लेवल मीन सी लेवल से ऊपर एक ही हाइट पर बसा हुआ जितना भी प्लेसेज है उसको हम जिस लाइन से ज्वाइन करते हैं ये कहलाता है कॉन्टोर लाइन जैसे ये लाइन जो सबसे आउटर बॉर्डर है ये सभी इक्वल हाइट वाले प्लेस को ज्वाइन कर रहा है इसके बाद अंदर में एक लाइन है ये इक्वल हाइट वाले प्लेस को ये ज्वाइन कर रहा है उसके ऊपर ये आमतौर पर हिली एरियाज़ में होता है और हिल्स के पोजिशन को दिखाने के लिए किया जाता है तो ये आमतौर पर ब्राउन कलर का होता है और टोबोसीट में अगर ध्यान से गौर से देखने पर तो मैं दिखाई दे सकता है और ये ब्राउन कलर का होगा इसमें एक दो चीज़ और समझना है कि आमतौर पर जो ये कॉन्टूर लाइन्स है इसको बोलते हैं कॉन्टूर लाइन्स और दो कॉन्टूर लाइन्स के बीच में जो इंटरवल है जो गैप है वो कहलाता है कॉन्टूर इंटरवल मीन्स द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर लाइन्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रोड इंटरवल यूजली इट इज़ ट्वेंटी मीटर फॉर इंडियन टोबो मैप्स इंडियन टोबो मैप्स में जो तुम्हारे पास डी बाई सेवन और डी बाई टेन होगा तो उसमें ट्वेंटी मीटर्स का गैप जनरली रखा गया है टोबो सीट से रिलेटेड एक कॉन्टूर इंटरवल में जैसा हम लोग जानते हैं कॉन्टूर से हम लोग हिल्स दिखाते हैं माउंटेन दिखाते हैं रिजेस दिखाते हैं सबका अलग अलग शेप होता है अब एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना जरूरी है कि अगर ये दोनों लाइन एकदम पास पास में है इसका मतलब है कि वो जो हिल या माउंटेन है उसका जो स्लोप है वो स्टीप है एकदम खड़ा स्लोप है और यदि ये लाइन दूर दूर पर है तो इसका मतलब स्लोप जो है वो जेंटल है मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में कोई आदमी उस पहाड़ पर इजीली चढ़ सकता है तो यहाँ पर याद रखना है इफ़ द लाइन्स आर क्लोजर द स्लोप इज स्टीप इफ द लाइन्स आर फार अ पार्ट द स्लोप इज जेंटल ये दोनों चीज याद रखना है इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है स्पॉट हाइट स्पॉट हाइट क्या होता है स्पॉट हाइट एक एस्टिमेटेड हाइट है जिसको मीटर में हम लिखते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड इंडिकेटेड ऑन द मैप बाय ए ब्लैक डॉट इन फ्रंट ऑफ द इट्स हाइट तो एक इस्टीमेटेड हाइट किसी भी प्लेस का किसी भी पॉइंट का एक एस्टिमेटेड हाइट है ये जो ये शो करता है जैसे तो कैसे लिखते हैं जैसे ये ये डॉट देखे कि ट्वेंटी तो ये स्पॉट हाइट का साइन है इसको बोलते हैं ट्वेंटी मीटर वन ट्वेंटी मीटर सिक्सटी फाइव मीटर तो ये आगे ब्लैक कलर की बिंदी होगी और उसके बाद जो डिजिट लिखा होगा उतना मीटर उस प्लेस का हाइट होगा तो ये एक इस्टीमेटेड हाइट है उसके बाद आता है ट्रेंगुलेटेड हाइट दोनों हाइट में क्या डिफरेंस है जैसे हमने कहा कि स्पॉट हाइट एक इस्टीमेटेड हाइट है इट इज़ नॉट एक्चुअली हंड्रेड परसेंट करेक्ट बट ट्रेंगुलेटेड हाइट इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाई ट्रिग्नोमेटिकल मेथड्स ये परफेक्ट हाइट है एकूरेट हाइट है ये और ये इसका जो मेजरमेंट होता है ये भी मीटर में होता है और इसका जो साइन है वो ये है एक ट्रेंगल बना करके उसके अंदर एक बिंदी डाला जाता है ब्लैक कलर का और उसके बाद नंबर लिखा जाता है तो ये ट्रेंगुलेटर हाइट का साइन है इसका मतलब होता है 240 मीटर द ट्रेंगुलेटर हाइट ऑफ दैट प्लेस इज़ टू मीटर और वन मीटर और वन मीटर एंड सो ऑन इसके बाद एक और हाइट है उसको बोलते हैं रिलेटिव हाइट तो रिलेटिव हाइट क्या है रिलेटिव हाइट को भी हम लोग आर से इंडिकेट करें जैसे ये टेन आर तो टेन मीटर रिलेटिव हाइट और डेप्थ दोनों होता है तो रिलेटिव हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर ऑन द मैप व्हिच इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप तो स्टीप स्लोप वाला जो एरिया है उसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम रिलेटिव हाइट कहते हैं और यूजली इसको इस तरह इंडिकेट करते हैं सो रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेफ्थ दोनों हो सकता है टेन आर या ट्वेंटी आर या थर्टी आर इसको मीटर बोलते हैं टेन मीटर या ट्वेंटी मीटर या थर्टी मीटर में इंडिकेट किया जाता है अब इसके बाद रिलेटिव हाइट के बाद हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे इसके बाद आता है बेंचमार्क। मार्क बेंच मार्क को हम लोग बी एम लिखते हैं एंड इट इज रिटर्न एज बी एम फॉलोड बाई ए नंबर यानी बी एम लिखने के बाद एक नंबर आता है लाइक दिस बी एम ट्वेंटी सो ये एक्यूरेट हाइट है बेंच मार्क भी एक्यूरेट हाइट है किसी पॉइंट का सो so, कैसे ये सो so क्या आता है दीज आर कट इनटू स्टोन्स स्टोन्स में या किसी बिल्डिंग कुछ थोड़ा कार्विंग करके या किसी प्रोमिनेंट ट्री को कार्व करके वहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाता है कि यहाँ का जो हाइट है वो इतना मीटर है तो so, इसको हम लोग बी एम ट्वेंटी बी एम सिक्सटी बी एम ट्वेंटी फाइव ऐसे ये लिख सकते हैं इसके बाद आता है फायर लाइन फायर लाइन का, का काम क्या है फायर लाइन का मेन काम है फॉरेस्ट के फायर को रोकना तो इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज ये फाइव मीटर का एक वाइड पैसेज होता है मैंने यहाँ पर ये दिखाया है ये जो पैसेज दिखा रहा है ये ये लाल कलर का ये फॉरेस्ट फायर लाइन है तो फॉरेस्ट के बीच में इस तरह का पाँच मीटर का एक रास्ता जैसा बना दिया जाता है ये कहलाता है फॉरेस्ट फायर तो अगर जंगल के इस पार्ट में आग लगेगी और बीच में ये रास्ता बना हुआ है तो जंगल का आग इस को क्रॉस करके उधर नहीं जाएगा तो वो ऐसे मेटल का बनाया होता है कि वो इसको क्रॉस करके इधर इधर का जंगल बच जाएगा इसलिए बीच बीच में क्या किया जाता है ये फायर लाइन बना दिया जाता है ये आमतौर पर रेड कलर का होता है फायर को प्रिवेंट करने के लिए किसी फॉरेस्ट में इसका यूज किया जाता है द नेक्स्ट वन इज कॉसवे वॉट इज मीन मीनिंग इट इज़ ए मेटल रोड एकर माइनर स्ट्रीम और लो लिंग मार्सी एरियाज और एट ए सोलो सेलो पॉइंट तो जो कोई छोटा मोटा रिवर है स्ट्रीम है कोई बहुत नाला है उसके ऊपर जो हम एक रेज्ड मेटल रोड बना देते हैं थोड़ा सा उठा करके ऐसे रेज्ड मेटल रोड बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉजवे कॉजवे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ये जो ब्लैक कलर दिखाया ये रोड है ऊपर रेड कलर जो मैंने दिखाया ये कॉजवे है इसके बाद होता है किल्न किल्न क्या है इट इज ह्यूज आउटडोर ओवन ये ओवन है लेकिन ये घर का ओवन नहीं ये बाहर का ओवन है जैसे इसका यूज करते हैं हम लोग जैसे ब्रिक्स या लाइम स्टोन या पॉटरी वगैरह को ड्राई करने के लिए या बेकिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो जैसे ब्रिक क्लीन लाइम क्लीन एक्सेट्रा इसके अलावा लगभग सभी पॉइंट्स को लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है लेकिन बहुत सारे सिंबल्स को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा सो मेनी सिंबल्स आर देयर कुछ इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट सिंबल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जैसे टैंक ये टैंक है इसमें ब्लू कलर होता है वाटर है तो ब्लू कलर होगा और अगर अंदर में टेन आर लिखा हुआ है इसका मतलब इस टैंक का जो डेप्थ है दैट इज़ टेन मीटर लेकिन ये भी एक टैंक है ये भी ब्लू कलर का इसमें लिखा हुआ है इसमें वाटर है लेकिन इसके बाहर में फाइव आर लिखा हुआ है इसके अंदर में टेन आर था इसके बाहर में फाइव आर है या टेन आर कुछ भी हो सकता है तो ये जो बाहर लिखा होता है अंदर लिखा होता है क्या अंतर है अंदर, अंदर रहेगा तो इसका मतलब ये इसका डेप्थ है और जो बाहर रहेगा उसका मतलब ये इसके इम्बेंकमेंट का हाइट है तो जैसा हमने कहा ये टेन आर जो मैंने बताया था कि डेप्थ और हाइट दोनों है इस तरह से डेप्थ और हाइट दोनों दिखाता है इसका होता है वेल वेल क्या है वेल में भी एक होता है लाइंड वेल well एक होता है अनलाइंड वेल well. तो अनलाइंड वेल well में क्या होता है मैंने बाहर से किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता और इससे प्रोटेक्शन होता है तो इसके अंदर अगर लिखा हो ये बाहर लिखा हुआ है ट्वेंटी मीटर इसका डेप्थ ऑफ द लाइंड वेल इज ट्वेंटी मीटर और इसमें अगर ये नहीं है ये मोटा वाला साइन नहीं दिया तो इसका अनलाइंड वेल है उसी तरह रिवर होता है तो रिवर में भी ये अगर साइन है तो ड्राई रिवर है ये अगर रिवर है लेकिन बीच में कोई ब्लू कलर का अगर कोई लाइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब नैरो चैनल है उसमें यानी वाटर जो है रिवर में थोड़ा सा बचा हुआ है इसके अलावा ये ब्रोकन ग्राउंड का साइन है इसके अलावा बहुत सारा सिंबल होता है एब्रीबेटरी फॉर्म लिखा रहता है जैसे पी ओ मतलब पोस्ट ऑफिस पी एस मतलब पुलिस स्टेशन डी बी मतलब डाक बंगला आर एफ मतलब रिजर्व फॉरेस्ट सी एच मतलब सर्किट हाउस पी टी ओ मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस सो इस तरह का एब्रीविएशन भी कई जगह पर यूज किया गया है तो इस तरह से लगभग सभी पार्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है एक पार्ट और जो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट को समझना चाहिए उसको मैं डिस्क्राइब करके तो वीडियो खत्म कर दूंगा और वो पार्ट होगा मेरा रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर तो रिवर के डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएं रिवर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आमतौर पर हमें टोपोसीट का सहारा लेना पड़ेगा और यह है टोपोसीट मैं इस टोपोसीट में तुम्हें समझा रहा हूँ कि किस तरह हमें यहाँ पर रिवर का डायरेक्शन पता करते हैं जैसे सपोज ये रिवर है तो ये रिवर का डायरेक्शन रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रहा है ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं पता है और यही पूछा जाता है एग्जाम में कि वाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर तो इसका पता कैसे करते हैं पता करने का दो तीन तरीका है या तो एरो अगर लगा रहेगा तो एरो से या इसका स्पॉट हाइट के द्वारा या फिर ट्रेंगुलेटर हाइट के द्वारा तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर तो एरो नहीं लगा हुआ है सो हाउ विल आई फाइंड दैट वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर वेदर इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू वेस्ट तो अब यहाँ पर तो एरो वाला पॉइंट तो हम लोग मिला नहीं तो हम लोग देखते हैं स्पॉट हाइट यहाँ स्पॉट हाइट लिखा है वन एट्टी यहाँ स्पॉट है वन फोर्टी हेयर द स्पॉट हाइट इज वन हंड्रेड हेयर द स्पॉट हाइट इज टेन इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि इधर ऊंचा है और जैसे जैसे रिवर इधर आया इधर नीचे की तरफ आ रहा है तो वाटर रिवर में हर समय क्या होगा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा इसका मतलब ये जो रिवर है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये इसका डायरेक्शन होगा तो इसी तरह इसका डायरेक्शन का पता करते हैं एक और क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि इसका राइट right बैंक कौन सा है लेफ्ट बैंक कौन सा है ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है सपोज मैं यहाँ क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूँ कि सपोज दिस इज द विलेज सो दिस पर्टिकुलर विलेज जिसका नाम मैंने रख दिया ए तो दिस सेटलमेंट इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर ये रिवर के किस बैंक पर सिचुएटेड है राइट right बैंक या लेफ्ट बैंक इसके लिए पता करना होता है कि वाट इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर रिवर का सोर्स क्या है तो ये जो रिवर बह रहा है जैसे हमने देखा कि इधर ऊंचा ज़्यादा इधर नीचा है तो रिवर इधर से बहता होगा यहाँ सोर्स है तो रूल क्या है कि जिधर सोर्स होगा वहाँ पर उस डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में रिवर बह रहा है यानी इधर की तरफ खड़े इधर मुँह कर खड़े होंगे तो हमारा जो राइट right हैंड होगा वो इस रिवर का राइट right बैंक होगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो इस रिवर का लेफ्ट बैंक होगा तो अगर हम यहाँ से इस तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं तो हमारा राइट हैंड इधर होगा इसका मतलब ये राइट right बैंक पर है इसका मतलब इसका आंसर होगा दिस सेटलमेंट इज़ ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इस तरह से इसका जवाब हम लोग लिखते हैं इस तरह से हमने देखा कि टोबोसीड से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दो तीन बार इसको अच्छी तरह देखने से इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबोस्टीट को सॉल्व कर पाएगा ओके थैंक यू फॉर टुडे